अभी लॉबस्टर पकड़ेंगे, लॉबस्टर। आयो सुबह बगीचे में जाएंगे और ये देखो, ये तो हमको छोड़ के कहीं नहीं जाते, मतलब चलो तालाब में उतरेंगे। मैंने सोचा था कि रहेगा कि नहीं, लेकिन ये तो आराम से चुपचाप बैठा है। हाँ चुपचाप बैठ रहना, कहीं नहीं जाना। फाइनली ये चुपचाप चुपचाप बैठ के, पूरा कंधों पे बैठ के, पूरा रास्ते का ऊपर से ही आ गया है बगीचे पर। हाँ नहीं नहीं अभी अभी बंद नहीं करना है, बिल्कुल भी उड़ा नहीं। और इसका ऊपर मेरा पूरा कॉन्फिडेंट है कि ये हमको छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। चलो, और ये जो टी शर्ट लाया, क्योंकि तालाब में उतरेंगे, मछली पकड़ेंगे, लॉबस्टर पकड़ेंगे, तो ये पहन के उतरेंगे। चलो अभी देखते हैं, सारे पेड़ पौधे के बीज इनको छोड़ेंगे, सारे पेड़ पौधे के बीज इनको छोड़ेंगे। चलो चाबी लाओ, फ्लाई करोगे, सही करोगे, जाओ तो मैदान पे एक बार। और एक बार लंबा सा फ्लाई करो। एक्चुअली इसे ही कहते हैं टेम्ड बर्ड, मतलब छोड़ के, बिल्कुल भी छोड़ के कहीं नहीं जाता है। यहाँ ड्रेस चेंज कर लो, उसके बाद वहाँ तालाब, तालाब में मछली पकड़ना है। मोबाइल वहाँ रखे है, ये देखो एक आम, एक ख़राब हो रहा है, देखो खाना है। हाँ वहाँ थोड़ा बड़ा हुआ है जामरूल, चलो उस साइड चलो। चलो अच्छा ठीक है, तुमको वहाँ बैठना है, हम लोग तालाब में उतरेंगे, तुमको वहाँ बैठना है, बैठ के पेट भर के इसे खाना है, ठीक है ना। अच्छा ठीक है, खा लो रुद्रा, तुम इसको लेके बैठो। भाई भाई चलो। और बर्ड्स का मैग्नेटिक फील्ड नहीं रहता है, पिजन्स का जैसे रहता है ना मैग्नेटिक फील्ड, मतलब जहाँ से वो गए हैं कितना दूर क्यों ना चला जाए वो उसी जगह में वापस आ सकता है। लेकिन हमको जहाँ तक जानकारी है कि पैरट टाइप का बर्ड्स का वो मैग्नेटिक फील्ड नहीं रहता है, कुछ बर्ड्स का रहता है, जो परिजाई बर्ड होता है ना, जो हिमालय पार करके हम लोगों का यहाँ आते हैं सर्दी का मौसम में, जो दिखाई देते हैं ना, एक्चुअली उन लोगों का मैग्नेटिक फील्ड रहता है। अभी सारे मोबाइल टावर्स के लिए, जो मोबाइल का जो सारे टावर्स बन रहा है ना, उसी के लिए उन लोगों का मैग्नेटिक फील्ड भी थोड़ा सा असर पड़ रहा है उसका ऊपर, इसी के लिए बाहर का बर्ड इससे पहले जितना ज़्यादा आता था, हम लोग देखते थे कि सर्दी का मौसम में या अलग अलग मौसम में अलग अलग बर्ड आते थे, वो तो थोड़ा सा कम हो गया मोबाइल टावर्स की वजह से, और वगैरह वगैरह बहुत सारा रीजन्स है। लंबा फ्लाइट लगाएगा यहाँ वहाँ, अभी तो यहाँ गांव है, थोड़ा सा फ्री स्पेस है, इसी के लिए भरोसा है कि हाँ गलती से अगर दूर चला जाएगा तो हम लोग देख पाएंगे। लेकिन अगर शहरों में होता है तो क्या होता है, बिल्डिंग से बिल्डिंग से, एक बिल्डिंग क्रॉस करके दूसरा तीसरा बिल्डिंग क्रॉस करके अगर चला जाएगा, तो उसके बाद वहाँ से उसको ढूंढ पाना, या इसको ये अगर चाहेगा कि हाँ मैं फिर से मेरा घर में जाऊँ, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है।
थैंक यू, तुमने बहुत अच्छा फ्लाई लगाया और वहाँ जाके बैठा, चारों तरफ छोटा सा राउंड लगाया और फिर से कंधों पे आके बैठा। ठीक है, और एक बार जाओगे? चलो पापा, गुड। और एक्चुअली मैं जब शर्ट चेंज करता हूँ तभी भी ये यहीं रहता है, ऐसे 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 ऐसे, मतलब इसको खोला फ्रेश कर लेता है अपने। मैं जो कुछ भी करता हूँ ये सारे काम मेरे साथ करता रहता है। अरे अभी तो ऊपर जाओ, मेरे साथ रहोगे? आ जाओ। अभी लॉबस्टर पकड़ेंगे, लॉबस्टर। आयो नहाओगे मेरे साथ? ठीक है, तुम वहाँ जाकर बैठो, मैं मछली पकड़ता हूँ और उसके बाद तुमको लेके फिर से घर जाऊंगा। चलो एक लॉबस्टर पकड़ते हैं अभी। पकड़ा, हाँ पकड़ लिया। फाइनली एक लॉबस्टर को हम लोगों ने पकड़ लिया और अभी जल्दी से जाना है क्योंकि फोन आया था पैरट दीपक को चैरिटेबल ट्रस्ट के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट जो होता है, बहुत सारा व्हील चेयर्स आए हैं, गाड़ी आ गए हैं, तो मतलब वहाँ जाना पड़ेगा और पकड़ने का टाइम नहीं है। अंकल जी पकड़ लीजिए। बचपन से तो ये मेरा, मैं ऐसे पकड़ता रहता हूँ ऐसे ऐसे करते करते। एक्चुअली लॉबस्टर क्या होता है ये, मतलब ऐसे साइड में आके ऐसे बैठा रहता है चुपचाप गर्मी का मौसम में, सुबह के टाइम, ज़्यादा करके सुबह के टाइम ऐसे आके चुपचाप बैठे रहता है। और हम लोग जहाँ मतलब थोड़ा सा पत्ता पड़ा है या थोड़ा सा कुछ लकड़ी वगैरह गिरा हुआ है उसका बगल में चुपचाप से आके आराम से बैठी रहती है। ये जो जगह है ना, ये सब जगह में बहुत रहता है, कभी कभी पकड़ते हैं, इसी के लिए कम होते जा रहा है धीरे धीरे मिलना। हाँ यहाँ एक मिला, हाँ पकड़ लिया। और एक मिल गया, समीर हमको बुलाया और टुकी लगाया, क्या है पकड़ा? हाँ पकड़ लिया, चलो इसका मतलब इसको पकड़ने का तरीका है, ये जो पीछे है ना इसको सही से पकड़ना है, अगर ऐसे करके हम लोग पकड़ेंगे ऊपर की तरफ तो ये छपक करके मारेगा, एकदम खून निकल के छोड़ेगा। इसको मैं बहुत दिन से ढूंढ रहा था। एक्चुअली एक्वेरियम का क्रोकोडाइल को हम लोगों ने छोड़ा था तालाब में, ठीक है ना, एकदम छोटा सा छोड़ा था और अभी देखिए कितना बड़ा हो गया। डर लगता है,
सपाट करके अगर ये देखिए क्रोकोडाइल, और ये तालाब में अच्छे से रह लेते हैं और अंडा बच्चा भी करता है। बहुत बड़ा साइज हो गया है, जायंट साइज हो गया है। चलो छोड़ देते हैं। छोड़ दिया। चलो चलिए, आज और टाइम नहीं है, वहां जाना पड़ेगा। बहुत सारा व्हील चेयर साइकिल्स वगैरह आए हैं। चलो हो गया, चलो हो गया। ज्यादा नहाने से ठंडा लग जाएगा। अच्छा और नहीं, और नहीं, हो गया तुम्हारा, हो गया। अच्छा और एक बार लास्ट फाइनल फाइनल। व्हीलचेयर आया है, अभी जाना होगा, अभी और नहीं चलिए। और नहीं, हो गया। अंदर रहना तो रहो। ये अगर नहीं छोड़ेगा तो मैं क्या कर सकता हूँ। चलो ऊपर आ जाओ। नहीं चलो धूप में चलो। देखो तो मीठा है। खाली पेट नहीं, पर नहीं। अरे कुछ खाने के बाद, कुछ खाने के बाद। इसका अंदर एकदम लाल होने वाला है। चलो ये देखिए हम लोगों का जैकफ्रूट। नहीं ये पक्का नहीं है। नहीं ऐसे ही पक्का नहीं होगा, लेकिन नहीं ठीक है, ये तो ठीक है, ऐसे ही करते हैं। लेकिन बचपन में हमको याद है बहुत बड़ा साउथ साइड में, बहुत बड़ा मतलब ये जैसे इतना बड़ा पेड़ था, तो वहाँ मतलब पेड़ में ही चीको पक जाता था। ठीक है तोड़ो मत चंदा, ऐसे रहने दो, कुछ दिन बाद देखोगे यहाँ ही पक जाएगा। दो साल ले लेता हूँ घर में पकाने के लिए। ठीक है। हाँ चंद्रा इसको ना, इसको बहुत बहुत भूख लगा एक्चुअली। इतना देर सुबह सुबह खाने का आदत है और मेरे साथ निकल आया। चलो 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 जल्दी से, चलो पेट भर के तुमको खिलाएंगे। तो आज का वीडियो यहाँ खत्म करेंगे। वीडियो का अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा और जैसा फ्रेंड से, और उससे पहले एक तोड़ लो। हाँ एक ही, नहीं नहीं वो वाला नहीं, ऊपर का नहीं, हाथ नहीं पहुँचा। छोड़ो 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 छोड़ो, बहुत सारा है। तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आया। वीडियो को अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, जैसा फ्रेंड्स है उन लोगों में शेयर भी कर दीजिएगा, और आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद देखिएगा उसके बगल में एक बेल आइकन भी अपीयर हो जाएगा, आप वहाँ भी दबा दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम लोग यूट्यूब में कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन भी आप लोगों का मोबाइल या कंप्यूटर तक पहुँच जाएगा। तो आज का वीडियो यहाँ खत्म होता है, फिर मिलेंगे किसी ने। अच्छा अच्छा ये इसका जो कहना है, बहुत भूख लगा है, जल्दी से हमको खाना दो। अच्छा अंकल जी ने तोड़ लिया। और तो आज का वीडियो यहाँ खत्म होता है, फिर मिलेंगे किसी नया वीडियो नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।
पहुंच गया है और ये सारे ट्राईसाइकिल, मतलब हमको आने में थोड़ा सा लेट हो गया है, और ये ट्राईसाइकिल, और यहाँ सारे फ्रूट के ऐसे आ गया, और भी आएगा, और जो कुछ भी होता है पेरेंटिंग को मैं क्लास के थ्रू हम लोग जो छोटा वर्ग मतलब ऐसे थोड़ा सा नेक काम में शामिल हो पाते हैं वो आप लोगों का कृपा और आप लोगों का दुआ से, आप लोगों का सपोर्ट की वजह से ही हम लोग ऐसे छोटा मोटा सोशल वर्क कर पाते हैं। आप लोग डोनेट करता है, हम लोग जो करते हैं सिर्फ मतलब आप लोगों से ले आके जिन लोगों का जरूरत है मतलब उन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और तो फिर से एक बार पेरेंटिंग को चैरिटेबल ट्रस्ट की हर एक मेम्बर की तरफ से सारे व्यूअर्स को और जो सारे निकल इंसान ऐसे डोनेट करते हैं, सपोर्ट करते हैं पेरेंटिंग का चैरिटेबल ट्रस्ट के थ्रू सुंदरबन का हेल्पलेस लोगों को, आप सभी को दिल से बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। हाँ तो बहुत ही जल्दी एक डिस्ट्रीब्यूशन का अलग वीडियो बनेगा और क्वालिटी बहुत ही अच्छा है हर बार की तरह, और बहुत ही जल्दी इन सब का डिस्ट्रीब्यूशन का एक अलग सा वीडियो बनेंगे, थोड़ा सा वीडियो बना के आप सभी के साथ शेयर करेंगे। टेक केयर, बाय बाय। बहुत ज़्यादा भूख लग गया था, चलो ये पीपड़े।